सबसे पहले दबाइए सब्सक्राइब के इस लाल के बटन को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप मुझे सुन रहे हैं चेंज एकेडमी के नॉलेज रूम से। आज हम पटवारी के लिए एक स्पेशल जो है वीडियो सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें आज हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। तो आज के आपके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा RAM चिप यानी कि रैम चिप, सेकेंड है डाटा इनपुट, थर्ड ऑप्शन है हमारा CPU, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज। तो जल्दी से बताइए कौन सा आएगा आंसर। हाँ जी, आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, इट इज CPU। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, BUG बग, बग क्या होता है ये बताना आपको। पहला ऑप्शन है हमारा स्टेटमेंट, सेकेंड ऑप्शन है एरर, थर्ड ऑप्शन है हमारा सिग्नेचर और फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों। बताइए जल्दी से दोस्तों कौन सा आंसर आएगा। हाँ जी, आंसर नंबर बी, इट्स एरर। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन ए है कुंजी पटल, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी है मॉडेम या ऑप्शन डी प्रिंटर। जल्दी बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर इसका। जी बिल्कुल, आंसर है ऑप्शन सी मॉडेम। चौथा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है ENIAC, इट्स ENIAC, ऑप्शन बी EDVAC एडवेक, ऑप्शन सी EDSAC एडसेक, ऑप्शन डी UNIVAC यानी कि यूनिवे। जल्दी बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका। इट्स आंसर जी बिल्कुल ए, ENIAC। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा WWW का सही रूप है। फर्स्ट है ऑप्शन विंडो वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन बी वेब वर्किंग विंडो, ऑप्शन सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा आंसर आएगा। जी बिल्कुल, आंसर नंबर डी, इट्स वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, CPU का क्या अर्थ है, CPU का अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या ऑप्शन डी इट्स कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। बताइए जल्दी दोस्तों कौन सा आएगा आंसर। जी आंसर है ऑप्शन ए, इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है आपका, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम PENTIUM पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। चार ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर या ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। जल्दी बताइए दोस्तों, इट्स ऑप्शन जी बिल्कुल, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं, WWW के आविष्कारक बताना है। तो ऑप्शन ए है टीम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी एन रसेल, ऑप्शन सी ली एन फियोंग या ऑप्शन डी बिल गेट्स। आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा इसका। आंसर आएगा इट्स ऑप्शन ए टीम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण या ऑप्शन डी मॉडेम।
बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका आंसर? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी इस प्रकाश भंडारण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, ये बताना है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसमें क्या था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वॉल, ऑप्शन सी क्रोड स्मृति, या ऑप्शन डी अर्धचालक स्मृति। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आएगा आंसर? हाँ जी, ऑप्शन है ऑप्शन बी वॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यह है अनुपम क्या है, अनुपम क्या है ये बताना है। यहाँ पे अनुपम खेर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये अनुपम क्या है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है हमारा पहला ए, ऑप्शन नंबर ए इट्स एक शोध संस्थान है ये, ऑप्शन बी एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, या ऑप्शन डी यह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो बताइए दोस्तों क्या आएगा इसका? जी आंसर बी, इट्स कि यह एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है फिर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आपको बताना है कि जो परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपका सी डेक, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है बार्क, या ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका? परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था? हाँ जी, ऑप्शन ए इट्स सी डेक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बताना है कि सबसे छोटी इकाई जो है वो कंप्यूटर में क्या होती है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, या ऑप्शन सी रिकॉर्ड, या ऑप्शन डी है फाइल। जल्दी बताइए दोस्तों। हाँ जी, इट्स ऑप्शन बी बाइट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परम पदम, ऑप्शन बी फ्लो सॉल्वर मार्क, ऑप्शन सी चिप्स, या ऑप्शन डी अनुपम। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका? आंसर नंबर 14, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? इट्स ऑप्शन डी अनुपम। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो आपको बताना है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि एक बाइट बना होता है, ये बताना है कि एक बाइट जो है वो कितने का बना होता है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 8 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन बी 2 द्विआधारी अंकों का, ऑप्शन सी 8 दशमलव अंकों का, या ऑप्शन डी 2 दशमलव अंकों का। जल्दी बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये। हाँ, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत जल्दी से देखे। और भी पटवारी के लिए और सेशन होने वाले हैं, और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।